सभी श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन। मैं साधना वैद्य आगरा से आपके समक्ष अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा है आपको अच्छी लगेंगी। तो पहली कविता है मौन। मेरे मौन को तुम मत कुरेदो, मेरे मौन को तुम मत कुरेदो। यह मौन जिसे मैंने धारण किया है, दरअसल मेरा कम और तुम्हारा ही रक्षा कवच अधिक है। यह मौन जिसे मैंने धारण किया है, दरअसल मेरा कम और तुम्हारा ही रक्षा कवच अधिक है। इसे ऐसे ही अछूता रहने दो, वरना जिस दिन भी इस अभेद्य कवच को तुम भेदना चाहोगे, मेरे मन की प्रत्यंचा से छूटने को आतुर, उलाहनों, उपालंबों, आरोपों, प्रत्यारोपों के तीक्ष्ण बाणों की बौछार तुम सह नहीं पाओगे। इस अभेद्य कवच को जिस दिन भी तुम भेदना चाहोगे, मेरे मन की प्रत्यंचा से छूटने को आतुर, उलाहनों, उपालंबों, आरोपों, प्रत्यारोपों के तीक्ष्ण बाणों की बौछार तुम सह नहीं पाओगे। मेरे मौन के इस पर्दे को ऐसे ही पड़ा रहने दो, दरअसल यह पर्दा मेरी बदसूरती के अप्रिय प्रसंगों से कहीं अधिक तुम्हारी मानसिक विपन्नता की उन बदरंग तस्वीरों को छुपाता है। जो उजागर हो गई तो तुम्हारी कलई खुल जाएगी, जो उजागर हो गई तो तुम्हारी कलई खुल जाएगी, और तुम उसे भी कहां बर्दाश्त कर पाओगे, तुम उसे भी कहां बर्दाश्त कर पाओगे। मेरे मौन के इस उद्याम आवेग को मेरे मन की इस छिद्रविहीन सुदृढ़ थैली में इसी तरह निरुद्ध रहने दो, वगरना जिस भी किसी दिन इसका मुंह खुल जाएगा, मेरे आंसुओं की प्रगल निर्बाध तूफानी बाण मर्यादा के सारे तटबंधों को तोड़ती बह निकलेगी, वगरना जिस भी किसी दिन इसका मुंह खुल जाएगा, मेरे आंसुओं की प्रगल निर्बाध तूफानी बाण मर्यादा के सारे तटबंधों को तोड़ती बह निकलेगी, और उसके साथ तुम्हारे भूत, भविष्य, वर्तमान सब बह जाएंगे, और शेष रह जाएगा विध्वंस की कथा सुनाता एक विप्लवकारी सन्नाटा, जो समय की धरा पर ऐसे बदसूरत निशान छोड़ जाएगा जिन्हें किसी भी अमृत वृष्टि से धोया नहीं जा सकेगा। इसीलिए कहती हूं, मेरा यह मौन मेरा कम और तुम्हारा रक्षा कवच अधिक है, इसे तुम ना कुरे दो तो ही अच्छा है। धन्यवाद। अगली कविता जो मैं आपको सुनाने जा रही हूं, उसका नाम है, उसका शीर्षक है खूंटा। नारी विमर्श की ये कथा सुनाता है, किस तरह नारी जो है उसको अवसर भी मिलते हैं और उसको मौके भी मिलते हैं, लेकिन वो जो है अपनी ही बंधी हुई बेड़ियों के अंदर जंजीरों में जकड़ी रह जाती है और पीछे रह जाती है। तुमने ही तो कहा था कि मुझे खुद को तलाशना होगा, तुमने ही तो कहा था कि मुझे खुद को तलाशना होगा, अपने अंदर छिपी तमाम अनछुई अनगढ़ संभावनाओं को संवार कर स्वयं ही तराशना होगा, अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा और अपनी मंजिल भी खुद ही तय करनी होगी। मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने मार्ग को भी मुझे स्वयं ही सुगम बनाना होगा। राह के सारे कंकड़ पत्थर चुनकर मार्ग को अवरुद्ध करने वाले सारे कटीले झाड़ झंकाड़ों को साफ कर देखो, मैंने अपनी राह बना ली है। मैंने तुम्हारे हर वचन को पूरी निष्ठा के साथ शिरोधार्य किया है, हर आदेश निर्देश को पूरी ईमानदारी और समर्पण भाव से निभाया है। देखो, मेरे पास आओ, मैंने तलाश लिया है खुद को, संवार ली है अपने अंदर छिपी प्रतिभा, निर्धारित कर लिया है अपना लक्ष्य,
और तय कर ली है अपनी मंजिल और रास्ता भी सुगम बना लिया है, लेकिन सब उद्यम व्यर्थ हुआ जाता है, सब उद्यम व्यर्थ हुआ जाता है। एक कदम भी मैं इस सुंदर सजे संवरे प्रशस्त मार्ग पर बढ़ा नहीं पा रही हूं। वर्षों से इसी एक स्थान पर रहने के उपरांत भी अभी तक यह नहीं खोज पाई कि जिन श्रृंखलाओं ने इतनी लंबी अवधि तक मुझे एक कैदी की तरह यहाँ निरुद्ध कर रखा है, उसका खूंटा कहाँ गढ़ा हुआ है, यही कहीं जमीन में या फिर मेरे मन में। संस्कारों की बेड़ियों से जकड़ी स्त्री की ये मनोदशा है। शुक्रिया। मेरी अगली कविता जो मैं आपको सुनाने जा रही हूं, उसका शीर्षक है अब तो जागो। कब तक तुम अपने अस्तित्व को पिता या भाई, पति या पुत्र के सांचे में ढालने के लिए काटती छांटती और तराशती रहोगी? तुम मोम की गुड़िया तो नहीं? कब तक तुम अपने अस्तित्व को पिता या भाई, पति या पुत्र के सांचे में ढालने के लिए काटती छांटती और तराशती रहोगी? तुम मोम की गुड़िया तो नहीं? कब तक तुम अपने लिए औरों के द्वारा लिए गए फैसलों में अपने मन की अनुगूंज को सुनने की नाकाम कोशिश करती रहोगी? तुम गूंगी तो नहीं? कब तक तुम्हारे अपने लिए औरों के द्वारा लिए गए फैसलों में अपनी मन की अनुगूंज को सुनने की नाकाम कोशिश करती रहोगी? तुम गूंगी तो नहीं? कब तक तुम औरों की आंखों में अपने अधूरे सपनों की परछाइयों को साकार होता देखने की असफल और व्यर्थ सी कोशिश करती रहोगी? नींदों पर तुम्हारा भी हक है। कब तक तुम औरों के जीवन की कड़वाहट को कम करने के लिए स्वयं को पानी में घोल शरबत की तरह प्रस्तुत करती रहोगी? क्या तुम्हारे मन की सारी कड़वाहट धुल चुकी है? तुम कोई शिव तो नहीं? कब तक तुम औरों के लिए अपना खुद का वजूद मिटा स्वयं को उत्सर्जित करती रहोगी? तुम बेड़ियों में जकड़ी कोई परतंत्र बंदिनी तो नहीं? क्यों ऐसा है कि तुम्हारी कोई आवाज नहीं? क्यों ऐसा है कि तुम्हारी कोई आवाज नहीं, तुम्हारी कोई राय नहीं, तुम्हारा कोई निर्णय नहीं, तुम्हारा कोई सम्मान नहीं, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, तुम्हारा कोई हमदर्द नहीं, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं? अब तो जागो। तुम कोई बेजान गुड़िया नहीं, जीती जागती हार्ड मास की ईश्वर की बनाई हुई तुम भी एक रचना हो। इस जीवन को जीने का तुम्हें भी पूरा हक है। उसे ढोने की जगह सच्चे अर्थों में जियो। अब तो जागो। तुम भी स्वतंत्र हो औरों की ही तरह खुद को तलाशने के लिए, संवारने के लिए, निखारने के लिए, स्थापित करने के लिए। अब तो जागो। नई सुबह तुम्हें अपने आगोश में समेटने के लिए बाहें फैलाए खड़ी है। दैहिक आंखों के साथ साथ अपने मन की आंखें भी खोलो। तुम्हें दिखाई देगा कि जीवन कितना सुंदर है। धन्यवाद। एक अब मैं आपको गीत सुनाने जा रही हूं। गीत का शीर्षक है जिंदगी चलती रही। हर जगह हर मोड़ पर इंसान ठहरा ही रहा। हर जगह हर मोड़ पर इंसान ठहरा ही रहा। वक्त की रफ्तार के संग जिंदगी चलती रही। खुशनुमा वो गुल मोहर की धूप छाही जालिया। चांदनी चंपा चमेली
की थी रखती डालिया, पात झरते ही रहे हर बार सुख की शाख से, पात झरते ही रहे हर बार सुख की शाख से, मौसमों की बाग थामे जिंदगी चलती रही, वंदना की भैरवी तक मौन होकर रुक गई, अर्चना की दीप की बाती दहक कर चुक गई, पाखुरी गिरती रही मन मोहना के हार की, पाखुरी गिरती रही मन मोहना के हार की, डोर टूटी हाथ मिले जिंदगी चलती रही, खोखली स्वर रह गई और माधुरी चुप हो गई, जिंदगी के गीत की पहचान जैसे खो गई, वेदना के भार से अंतर कसकता ही रहा, वेदना के भार से अंतर कसकता ही रहा, और टूटी तान सी यह जिंदगी चलती रही, चांद सूरज भाल पर मेरे अंधेरे लिख गए, स्वप्न सुंदर नींद में ही तोड़ते दम दिख गए, देवता अभिशाप दे के फेर कर मुह सो गए, देवता अभिशाप दे के फेर कर मुह सो गए, दर्द की सौगात देकर जिंदगी चलती रही, आत्मा निर्बंध को बंधन नियम का मिल गया, पंख टूटी हंसिनी को गगन विस्तृत मिल गया, हर कदम पर रूह घायल हो तड़प कर रह गई, हर कदम पर रूह घायल हो तड़प कर रह गई, और निष्प्रह भाव से बस जिंदगी चलती रही, हर जगह हर मोड़ पर इंसान ठहरा ही रहा, वक्त की रफ्तार के संग जिंदगी चलती रही, जिंदगी चलती रही। मेरी अगली कविता का शीर्षक है हारती संवेदना। क्या करोगे विश्व सारा जीत कर, हार की जब जा रही संवेदना, क्या करोगे विश्व सारा जीत कर हारती जब जा रही संवेदना, शब्द सारे खोखले से हो गए, गीत मधुर मौन होकर सो गए, नैन सूखे ही रहे सुनकर व्यथा, शुष्क होती जा रही संवेदना, हृदय का मरुथल सुलगता ही रहा, अहम का जंगल पनपता ही रहा, दर्द के सागर में मृदुता खो गई, तिक्त होती जा रही संवेदना,
आत्मगौरव की डगर पर चल पड़े, आत्मश्लाघा के शिखर पर जा चढ़े, आत्मचिंतन से सदा बचते रहे, रिक्त होती जा रही संवेदना, भाव कोमल कंठ में ही घुट गए, मधुर स्वर कड़वे स्वरों से लुट गए, है अचंभित सिहरती इंसानियत, क्षुब्ध होती जा रही संवेदना, कौन सत के रास्ते पर है चला, कौन सत के रास्ते पर है चला, कौन समझे पीर दुखियों की भला, है सभी बस स्वार्थ सिद्धि में मगन, सुन्न होती जा रही संवेदना, क्या करोगे विश्व सारा जीत कर, हारती जब जा रही संवेदना। मेरी अगली रचना का शीर्षक है राम तुम बन जाओगे। आओ तुमको मैं दिखाऊं मुट्ठियों में बंद कुछ लंबे सुनहरे, आओ तुमको मैं दिखाऊं मुट्ठियों में बंद कुछ लंबे सुनहरे, और पढ़ लो वक्त के जर्जर सपों पर धुंध में लिपटे हुए किस्से अधूरे, आओ तुमको मैं सुनाऊं दर्द में डूबे हुए नगमात कुछ भूले हुए से, आओ तुमको मैं सुनाऊं दर्द में डूबे हुए नगमात कुछ भूले हुए से, और कुछ बेनाम रिश्ते वर्जना की वेदियों पर सर पटक कर आप ही निष्प्राण हो टूटे हुए से, और मैं प्रेतात्मा सी भटकती हूँ उम्र के वीरान से इस खंडहर में, और मैं प्रेतात्मा सी भटकती हूँ उम्र के वीरान से इस खंडहर में, कौन जाने कौन सी उलझन में खोई, कौन जाने कौन सी उलझन में खोई, देखती रहती हूँ उसकी राह जिसकी दृष्टि में पाई नहीं पहचान कोई, देखती रहती हूँ उसकी राह जिसकी दृष्टि में पाई नहीं पहचान कोई, बन चुकी हूँ एक शिला मैं झेल कर संताप इस निर्मम जगत के, बन चुकी हूँ एक शिला मैं झेल कर संताप इस निर्मम जगत के, और बेसुधी कहीं सोई पड़ी हूँ, और बेसुधी कहीं सोई पड़ी हूँ वंचना की गोद में धरकर सभी अवसाद उस बेकल विगत के, देख लो एक बार जो यह भग्न मंदिर, देख लो एक बार जो यह भग्न मंदिर, और इसमें प्रतिष्ठित यह भग्न प्रतिमा, मुक्ति का वरदान पाकर छूट जाऊंगी सकल इन बंधनों से, मुक्ति का वरदान पाकर छूट जाऊंगी सकल इन बंधनों से, राम तुम बन जाओगे छू कर मुझे, राम तुम बन जाओगे छू कर मुझे, और मुक्त हो जाएगी एक शापित अहिल्या, छू लिया तुमने उसे जो प्यार से निज मृदुल कर से, छू लिया तुमने उसे जो प्यार से निज मृदुल कर से। एक अगली कविता मैं आपको सुना रही हूँ, छोटी सी, चल रही हूँ। बांध आंचल में सभी साधी अधूरी, मैं अकेली राह पर यूं चल रही हूँ, शुष्क वीराने में धर रंगीन चश्मा, खुशनुमा फूलों से खुद को छल रही हूँ, क्या करोगे उरपटल के जख्म गिनकर, क्या करोगे उरपटल के जख्म गिनकर, मैं इन्हीं से सच संवर कर खिल रही हूँ, मत रखो मरहम की अब दुखते नहीं ये, मत रखो मरहम के अब दुखते नहीं ये, मैं इन्हें चूनर में अपनी सिल रही हूँ, नेह का सौदा किया जब भास्कर से, नेह का सौदा किया जब भास्कर से, ज्वाल के सायों में निस्दिन पल रही हूँ, चिलचिलाती धूप लगती छांसी अब, चिलचिलाती धूप लगती छांसी अब, स्निग्ध शीतल चांदनी में जल रही हूँ, मत छुओ आंसू बहुत अनमोल है ये, मत छुओ आंसू बहुत अनमोल है ये, मैं इन्हें दामन में भर कर चल रही हूँ, बांध दी जो डोर तुमने दो सिरों से, बांध दी जो डोर तुमने दो सिरों से,
साध कर खुद को उसी पर चल रही हूँ। देख तो ले दे किसी दिन पास आकर, देख तो लेते किसी दिन पास आकर, किस तरह सांचों में पल पल ढल रही हूँ, किस तरह सांचों में पल पल ढल रही हूँ। बांध आंचल में सभी साधी अधूरी, मैं अकेली राह पर चल रही हूँ। मेरी अगली कविता का शीर्षक है लोकीगिरी। सारी जिंदगी मरम्मत करती रही हूँ फटे कपड़ों की, कभी बखिया करके तो कभी पैबंद लगा के, कभी तुरप के तो कभी छेदों को रफू करके। सारी जिंदगी मरम्मत करती रही हूँ फटे कपड़ों की, कभी बखिया करके तो कभी पैबंद लगा के, कभी तुरप के तो कभी छेदों को रफू करके। धूप की तेज रोशनी और साफ नजर की कितनी जरूरत होती है उन दिन दोनों सुई में धागा पिरोने के लिए। धूप की तेज रोशनी और साफ नजर की कितनी जरूरत होती थी उन दिनों सुई में धागा पिरोने के लिए और सफाई से सीने के लिए। मरम्मत तो अब भी करती ही रहती हूँ, मरम्मत तो अब भी करती ही रहती हूँ, कभी रिश्तों की चादर में पड़े छेदों को रफू कर जोड़ने के लिए, तो कभी जिंदगी के उधरते जा रहे लम्हों को तुरपने के लिए, कभी विदीर्ण मन की चूनर पर करीने से पैबंद लगाने के लिए, तो कभी भावनाओं के जीर्ण शीर्ण लिबास को बखिया लगाकर सिलने के लिए। बस एक सुकून है कि इस ढलती उम्र में यह काम रात के निविड़ अंधकार में भी बड़े आराम से हो जाता है। बस एक सुकून है कि इस ढलती उम्र में यह काम रात के निविड़ अंधकार में ही बड़े सुकून से हो जाता है। इसके लिए मुझे किसी सुई धागे और तेज रोशनी की जरूरत नहीं होती, इसके लिए मुझे किसी सुई धागे और तेज रोशनी की जरूरत नहीं होती। ये बुजुर्ग स्त्रियों का प्रिय शगल है। ये कुछ अलग जॉनर की कविता है, सूखा पेड़। सुनिए। वृद्ध होकर मैं धरा पर एक दिन गिर जाऊंगा, वृद्ध होकर मैं धरा पर एक दिन गिर जाऊंगा, जानता हूं मैं किसी के काम फिर ना आऊंगा। अब नहीं फलते रसीले आम मेरी शाख पर, अब नहीं फलते रसीले आम मेरी शाख पर, लग रहा बट्टा मेरी ऐश्वर्यशाली साख पर। है नहीं पावन मुलायम पात वंदनवार को, पहुंचने को है न पत्ते पथिक की श्रमधार को, है नहीं पावन मुलायम पात वंदनवार को, पहुंचने को है न पत्ते पथिक की श्रमधार को, दे नहीं सकता हवा मैं किसी भी क्लांत को, तनिक छाया दे न पाऊं श्रांत से दिग्भ्रांत को, संकुचित होते विहग भी बैठने में डाल पर, संकुचित होते विहग भी बैठने में डाल पर, पड़ न जाए काल की दृष्टि सुखी संसार पर, है झुलाया जिनको वर्षों लोग वो डरने लगे, है झुलाया जिनको वर्षों लोग वो डरने लगे, टूट ना जाए मेरी सूखी भुजा कहने लगे, किंतु फिर भी हूं खड़ा मैं आज भी अभिमान से, किंतु फिर भी हूं खड़ा मैं आज भी अभिमान से, हूं अकिंचन आज पर जीवन जिया है शान से, हूं अकिंचन आज पर जीवन जिया है शान से, आज भी है हौसला और जोश भी कुछ कम नहीं, आज भी है हौसला और जोश भी कुछ कम नहीं, दिया जो अब तक जगत को मान उसका कम नहीं, जगत की अवहेलना का दंश चुभता है मुझे, जगत की अवहेलना का दंश चुभता है मुझे, लिया जिसने जिंदगी भर दे सकेगा क्या मुझे। जगमुखर सामर्थ्य पर अवसान पर वह मौन है, जगमुखर सामर्थ्य पर अवसान पर वह मौन है, वृद्ध दुर्बल जर्जरों का इस जगत में कौन है, कोई समझे या न समझे
है उसे सबकी फिक्र, कोई समझे या न समझे है उसे सबकी फिक्र, अनवरत संघर्ष पर मेरे उसे होता फखर, किया अभिनंदन मेरा देकर मुझे सम्मान, यह है मुझे स्वीकार मन और प्राण से वरदान, यह मुकुट से जो दिखते हैं पात मेरी शीश पर, दो तीन दो चार पत्ते जो पेड़ पर लगे रह गए हैं उनको संबोधित है ये लाइन है, मुकुट से जो दिखते हैं पात मेरे शीश पे, किया है श्रृंगार प्रभु ने प्रेम से आशीष दे, किया है श्रृंगार प्रभु ने प्रेम से आशीष दे। धन्यवाद। मेरी इस कविता का शीर्षक है सुमित्रा का संताप। सबने सीता की व्यथा समझी, कौशल्या की व्यथा समझी, सुमित्रा का संताप किसी को दिखाई नहीं दिया, मैंने उसे ही लिखा है, सुने। नहीं समझ पाती जीजी, रक्ताश्रु तो मैंने भी 14 वर्ष तक तुमसे कम नहीं बहाए हैं। नहीं समझ पाती जीजी, रक्ताश्रु तो मैंने भी 14 वर्ष तक तुमसे कम नहीं बहाए हैं, फिर मेरे दुख को कम कर क्यों आंका जाता है? केवल इसीलिए कि मैं राम की नहीं लक्ष्मण की मां हूं? मेरे अंतर के व्रणों को हृदयहीनता के स्थूल आवरण के तले मुंदे हुई पलकों से क्यों झांका जाता है? बोलो जीजी, पुत्र विछोह की पीड़ा क्या तुमने केवल तुमने ही भोगी थी? बोलो जीजी, पुत्र विछोह की पीड़ा क्या केवल तुमने ही भोगी थी? मैंने भी तो उतने ही वर्ष मास सप्ताह घड़ी पल पुत्र दरस का स्वप्न आंखों में लिए तुम्हारी परछाई बन तुम्हारे साथ साथ ही काटे थे ना, फिर मेरी पीड़ा तुम्हारी पीड़ा से बौनी कैसे हो गई? बोलो जीजी, पुत्र विछोह की पीड़ा क्या केवल तुमने ही भोगी थी? मैंने भी तो उतने ही वर्ष मास सप्ताह घड़ी पल पुत्र दरस का स्वप्न आंखों में लिए तुम्हारी परछाई बन तुम्हारे साथ साथ ही काटे थे ना, फिर मेरी पीड़ा तुम्हारी पीड़ा से बौनी कैसे हो गई? वैधवी का अभिशाप भी अकेले तुमने ही तो नहीं सहा था ना, मैंने भी तो उस दंश की चुभन को तुम्हारे साथ साथ ही झेला था। मेरे सुख सौभाग्य का सूर्य भी तो उसी दिन अस्त हो गया था जिस दिन कैकेयी की लालसा ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा का मूल महाराज दशरथ को अपने प्राण गंवाकर चुकाना पड़ा था। फिर सारा विश्व कौशल्या की ही व्यथा वेदना से आकुल व्याकुल क्यों है? क्या मेरी व्यथा वेदना किसी भी तरह तुमसे कम थी? जीजी, राम की भौतिक और भावनात्मक आवश्यकताओं के लिए उनकी संगिनी सीता उनके साथ थी, लेकिन मेरे लक्ष्मण और उर्मिला ने तो 14 वर्ष का वनवास नितांत अकेले शरशैया की चुभन के साथ भोगा है। मेरे लक्ष्मण और उर्मिला ने तो 14 वर्ष का यह वनवास नितांत अकेले शरशैया की चुभन के साथ भोगा है। वियोगिनी उर्मिला के जीवन में पसरे तप्त मरुस्थलों की शुष्कता, तपन और सन्नाटों की भाषा को मैंने शब्द शब्द पढ़ा है और किसी भी तरह उन्हें कम न कर सकने की अपनी लाचारी के आघात को भी निरंतर अपने मन पर झेला है। फिर मेरी पीड़ा का आकलन यह संसार कम कैसे कर लेता है? मेरा तो गौण और बौना क्या सिर्फ इसीलिए हो जाता है कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की माँ कौशल्या नहीं उनके अनुज लक्ष्मण की माँ सुमित्रा हूं। धन्यवाद। आपको आशा है मेरी रचनाएं अच्छी लगी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। मैं साधना वैद्य आपसे इजाजत लेती हूँ। नमस्कार।